बच्चों, आज हम गणित में आपको सिखाएंगे मुखौटा बनाना और उसको जरूरी सामान होना चाहिए। उस जरूरी सामान में क्या क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में हम ये आपको पहले बताते हैं। मुखौटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कागज, कलर, ब्रश, कैंची और रबर के छल्ले। अब शुरू करते हैं हम मुखौटा बनाने का कार्य। मुखौटा बनाने का कार्य शुरू करते हैं से पहले हम इस कागज पर एक जिस भी चीज का हमें मुखौटा तैयार करना है उसकी ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले हम इस कागज को बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसको बराबर दो हिस्सों में बांट लेंगे और उसके बाद हम इस पर ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद अब हम कैंची के साथ इस आउटलाइन के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। अब कटिंग का कार्य करते हैं। कटिंग का कार्य बड़े ही ध्यान के साथ करना है और ये इस तरह से आपके पास बिल्ली के कान बन गए। अब हम और ये जो दूसरी साइड में इसकी ये मूछें रह रही हैं बिल्ली की, ये भी एक बार हम इसको बनाकर पूरा कर लेंगे। इसको और सुंदर बनाने के लिए हम इसमें कलर कर सकते हैं। इसको तैयार किया, अब इस मास्क को चेहरे पर लगाने के लिए हमें जो रबर के छल्ले हैं वो चाहिए। रबर के छल्लों को पहले आपस में इस तरह से जोड़कर इनसे थोड़ा सा लंबा बना लिया जाएगा ताकि ये आराम से लग जाए। फिर उसके बाद रबर के छल्लों को स्टेपलर की सहायता से इस पर जोड़ देंगे। अभी ये देखिए हमारा मुखौटा बनकर तैयार है और अब इस मुखौटे को हम एक बच्चे पर लगाएंगे और इस बच्चे को हम ये मुखौटा पहना लेंगे। और ये देखिए, और ये मुखौटा लगा कर हमारी बिल्ली तैयार हो गई। तो बच्चों, आपने देखा कि हम किस तरह से अपने घर में आसानी से मुखौटा तैयार कर सकते हैं। हमने बिल्ली का मुखौटा तैयार किया, इसी तरह से आप घर में किसी लड़की का और किसी अन्य जानवर का, हाथी का, बंदर का मुखौटा अपने आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये एक मनोरंजक कार्य भी है। तो सभी बच्चे अपने घरों पर मुखौटे तैयार करें।